अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए जो रिव्यू लेकर आए हैं वो है गाड़ी टोयोटा सिएंटा। टोयोटा सिएंटा पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, इंपोर्टेड गाड़ी है। और ये 4 सीटर कह लें या 5 सीटर कह लें, और 5 डोर्स हैं, हाइब्रिड गाड़ी है। इसमें जो कंपनी फिटेड टायर आ रहे हैं वो ये इनके एलॉय रिम इनके साथ आ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद इसमें जो टायर आ रहा है वो 185/60/15 का रिम आ रहा है, 15 इंच का रिम है। 4 व्हील डिस्क है, ABS ब्रेक है, पुश स्टार्ट, कीलेस एंट्री, ये इसके फीचर्स इसमें आ रहे हैं। ये इसके डोर पैनल के फीचर हैं। जब आप गाड़ी में बैठें, गाड़ी की एंट्री एग्जिट बहुत इजी है। पुश स्टार्ट का बटन, यहाँ पे इसमें रडार है, लाइट का सिस्टम है, लेन असिस्ट है। फिर उसके बाद ये जो यहाँ पे फीचर आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली इसके ऑटो डोर्स हैं। जो रेयर डोर हैं वो इसके ऑटो हैं, पावर डोर हैं। और इसको खोलने के लिए यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके स्टेयरिंग में म्यूज़िक के कंट्रोल्स हैं और बाकी मीटर के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे इको मोड आ रहा है, ईवी मोड आ रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, और ये इसका पैनल है, इसका गियर बॉक्स, सारा कुछ इसके अंदर। यहीं पे एक छोटा सा इन्होंने दिया हुआ है पैनल, और कंट्रोल्स हैं, यहीं से सारा कुछ कंट्रोल हो रहा है। इसमें स्पेस काफ़ी काफ़ी स्पेशियस गाड़ी है। यहाँ पे हैंड ब्रेक ना होने की वजह से इसमें, क्योंकि पावर ब्रेक हैं, पुश हैंड ब्रेक आ रही है, इसमें पुश ब्रेक आ रही है, हैंड ब्रेक। और यहाँ पे इसके स्टोरेज आप देख सकते हैं, स्टोरेज बड़ी अच्छी है इस गाड़ी की। नीचे भी स्टोरेज है, फिर आप कोई बैग यहाँ पे लटका सकते हैं। ये इस टाइम गाड़ी स्टार्ट हो गई है और ये इसका मीटर है। मीटर पे इस वक्त 19.4 की एवरेज आ रही है इसकी। और 41% इसकी बैटरी चार्ज है। इसके कंट्रोल्स, ये 1500 cc गाड़ी है, हाइब्रिड, और काफी अच्छी फ्यूल कंजम्पशन है इस गाड़ी की। जैसे इसकी बॉडी है और ह्यूज गाड़ी है। उम्मीद है आपको हमारा रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा रिव्यू अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले पावर डोर है, ऑटो डोर है। इसके बाद अगेन एंट्री एग्जिट बहुत इजी है, आप आराम से बैठ सकते हैं। गाड़ी काफ़ी स्पेशियस है। आपने जस्ट एक पुश
बटन दबाया, गाड़ी का डोर ऑटो लॉक हो जाएगा। ये इसके ट्रंक की स्पेस है, ये आप इसका ट्रंक देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा ट्रंक है और इसमें मेरे ख्याल में चार बड़े बैग आराम से आ सकते हैं। और अगर आप दोनों सीट्स को अगर आप फ्लैट कर दें तो आप ज़्यादा लगेज इसके अंदर लेकर आ सकते हैं। फ्रंट लुक बहुत खूबसूरत है, DRL इसमें दिए हुए, प्रोजेक्टर लाइट्स हैं, उसके बाद फॉग लैंप्स हैं। क्या जो मुझे केस में इशू नज़र आ रहा है वो सिर्फ एक ये है कि गाड़ी की रोड क्लियरेंस काफ़ी कम है। फ्रंट से देखें तो काफ़ी कम लग रही है, काफ़ी नीचे लग रही है गाड़ी। और इस गाड़ी में हालांकि ऑलरेडी चारों टायरों में पैकिंग रखी गई है जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर लग रही है, लेकिन यह है कि गाड़ी ओरिजिनल अगर आप इसके हालत देखें तो ये काफ़ी नीचे गाड़ी है। बैक साइड भी बहुत खूबसूरत है, फ्यूचरिस्टिक इन्होंने लुक दी हुई है गाड़ी की, ब्लैक एंड सिल्वर का यूज़ हुआ हुआ है। बीच में इनका जो मोनोग्राम है उसमें ब्लू शेड्स आ रहे हैं।